वेलकम बैक टू वर्ल्ड इन 3 मिनट्स। आज की वीडियो उन व्यूअर्स के लिए है जो वेकेशन तो लेना चाहते हैं पर प्लान नहीं कर पाए हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एन इजी वीजा ऑन अराइवल डेस्टिनेशन वियतनाम, जो कल्चरली रिच होने के साथ साथ एक अफोर्डेबल डेस्टिनेशन भी है। इंडिया से वियतनाम का फ्लाइंग टाइम 4 से 5 घंटे का है। वियतनाम का समय इंडिया से 1 घंटा 30 मिनट आगे है। इंडियन टूरिस्ट को वियतनाम जाने पर वीजा ऑन अराइवल की ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी होगी, जिससे आपको एक अप्रूवल लेटर हासिल होगा जो वियतनाम पहुंचने पर आपको वीजा ऑन अराइवल के लिए एलिजिबल बना देगा। वियतनाम के अलग अलग इलाकों में विभिन्न प्रकार का मौसम हो सकता है, लेकिन ज्यादातर वहाँ वार्म और ह्यूमिड वेदर पाया जाता है। वियतनाम घूमने के बेस्ट समय है सितंबर से दिसंबर के बीच चल रहा ऑटम सीजन और मार्च और अप्रैल के महीने का स्प्रिंग सीजन। चलिए आपको बताते हैं वियतनाम में काम आने वाली कुछ इम्पोर्टेंट ट्रैवलिंग टिप्स। एक रेन जैकेट, कंफर्टेबल शूज और मस्कीटो रेपेलेंट पैक जरूर करें। रो फूड्स को खाने से पहले धो लें और टैप वाटर ना पिएं। अगर आप ग्रैब मोटरबाइक हायर करें तो ऐप इंस्टॉल जरूर करें। हेलमेट पहनें और अपना सामान गाड़ी की ट्रंक में रखें। कैश कैरी करें, क्योंकि हर जगह कार्ड एक्सेप्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे ही काफी सारे हेल्पफुल टिप्स आप पा सकते हैं अंत की फैक्ट शीट में। चलिए आपको बताते हैं वियतनाम में कौन सी सिटीज और पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट आपको जाना चाहिए। हा लोंग बे, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो अपने एमरल्ड वाटर्स के लिए मशहूर है। हो ची मिन सिटी वियतनाम की बिगेस्ट सिटी है, जो अपने बस्टलिंग कल्चर, ग्रेट फूड और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए विजिट की जा सकती है। माय सन टेंपल, यह 1000 साल पुराना टेंपल अब रुइंस में है और वियतनाम वॉर के स्ट्रगल का प्रतीक है। अपने फ्रेंच आर्किटेक्चर के लिए प्रेरित हुएन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशंस है। वियतनाम की हनोई कैपिटल सिटी अपने ग्रैंड आर्किटेक्चर और यूथफुल वाइब्स के लिए जानी जाती है। सापा टाउन विजिट करें तो यहाँ के ब्यूटीफुल राइस फील्ड्स और हिल्स के बीच ट्रैकिंग करना न भूलें। हिस्टोरिक टाउन हुए में 19th सेंचुरी के एंशिएंट रेलिक्स और इंपीरियल बिल्डिंग्स का समूह है। नीबिन अपनी रूरल सीनरी के लिए फेमस है, जहाँ के नेचुरल लैंडस्केप्स का कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स, बीचेस और नाइट लाइफ की तलाश में हैं, तो द सिटी ऑफ नाट्रांग आपके लिए परफेक्ट है। वियतनाम का सबसे रीसेंट अट्रैक्शन द गोल्डन ब्रिज बाना हिल रिजॉर्ट्स डानांग में स्थित है। वियतनाम में यह डिशेस आपको ट्राई करनी चाहिए। फू वियतनामीज नूडल सूप, बैन मी वियतनामीज बैगेट, गो कुन जो कि स्टीम राइस रोल्स है, वियतनामीज एग कॉफी, बुन चा जो है वर्मिसली नूडल्स विद न्यू चैन सॉस, ची ट्रोय नू स्टिकी राइस एंड बीन पुडिंग, ओमाई नाम की स्वीट स्ट्रीट कैंडी, ब्रांड जियो क्रिस्पी पैनकेक्स और लास्टली जोई जियो स्वीट स्टिकी राइस। वियतनाम से आप यह सारी चीजें सोविनियर्स के तौर पर ला सकते हैं। सिल्क, ड्यू पेपर से बनी नोटबुक्स और पोस्टकार्ड्स, वियतनामीज कॉफी बीन्स, बैम्बू ड्रैगन फ्लाई, वियतनामीज सेरामिक्स, कोनिकल हैट्स और अंत में है स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए काम आने वाले राइस पेपर। चलिए हम आपको बताते हैं वियतनाम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दुनिया भर में वियतनाम कैश्यूज उत्पादन के लिए नंबर 1 है और कॉफी प्रोडक्शन के लिए नंबर 2। वाटर पपेट्री वियतनाम का एक बहुत अद्भुत आर्ट फॉर्म है, जो 11वीं सदी से चला आ रहा है। हेल्थ और वाइटालिटी के लिए वियतनाम में कुछ लोग स्नेक वाइन का सेवन करते हैं, जिसे एक पूरे स्नेक को राइस वाइन में डालकर बनाया जाता है।
ओरिजिनली वियतनाम की स्पेलिंग दो शब्दों वेत और नाम से मिलकर लिखी जाती थी। इस फैक्ट शीट का स्क्रीनशॉट लेना न भूलें। अगर इस वीडियो ने आपको वियतनाम जाने के लिए इंस्पायर किया है तो बुकिंग की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर एक मैसेज ड्रॉप करें जिसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। नेटसार की मोस्ट पॉपुलर वीडियोस देखने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रही लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेटसार की ओर से थैंक यू।